अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MGT 501 GDB नंबर 1 स्पिन 2022। तो इसकी ड्यू डेट जो है वो 6 जून है और इसका मार्क्स जो है वो 5 है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप पढ़ लें और GDB क्वेश्चन क्या है तो इस पर चलते हैं हम लोग। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक रहमान डिपार्टमेंट स्टोर है जो कि एस्टेब्लिश हुआ है 1980s में। इसकी जो है बहुत सारी फ्रेंचाइजेस है, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस है इसकी। अब इस फ्रेंचाइज ने, यानी इसकी जो ब्रांचेस है जितनी भी हैं, तो उसने जो है कस्टमर्स के दिल में जो है एक जगह बना ली है। क्यों बना ली है? क्योंकि इसकी जो है क्वालिटी वो अच्छी है और प्राइस है वो भी बहुत इकोनॉमिकल है, यानी कि एवरेज प्राइस है, यानी सस्ती के प्राइस है, कस्टमर के रीच में आता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, फिर हुआ ये कि रहमान डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1980s में, फिर 2018 में इन्होंने एक मैनेजर हायर किया जिसका नाम था मिस्टर रेहान अजीज, मार्केटिंग मैनेजर। वो ये कह रहे हैं कि फिर हुआ ये कि इसका 2 साल बाद 2020 में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई कि जो बारबेक्यू सॉस कंपनी है जो कि बहुत फेमस है और जो सस्ते प्राइस में दे रही है, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो हराम है, यानी कि जो है ये हलाल चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, हराम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा हुआ है, #banrahmandepartmentstore। तो इस तरीके से ट्रेंड चल रहा, जिस तरीके से आपने रिसेंटली देखा होगा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, तो किस तरीके से एक फ्लो आया, तो ये काफ़ी पावर होती है सोशल मीडिया की। तो वही चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो कंपनी जो है वो क्राइसिस में आ गई। अब आगे क्या हुआ, फिर आगे वही कह रहे थे जितनी भी कंट्री में उनके जो प्रोडक्ट्स थे इन्होंने रिकॉल कर लिया, यानी इन्होंने वापसी बुला लिया, जितनी भी प्रोडक्ट उन्होंने रखे थे उन्होंने वापसी बुला ली है। वापसी बुलाने के बाद जो इन्होंने मार्केटिंग मैनेजर 2018 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने किया, न्यूज़ चैनल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं, उसके सामने उनको फ्रंट पे कहा कि आप उनको फेस करें। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेस किया और उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर इन्होंने ये कहा कि आइंदा जो है हम शेल्फ पे, यानी डिस्प्ले नहीं करेंगे कोई भी हराम आइटम, हम इंश्योर करेंगे कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हलाल इस्तेमाल हों। अब वो आगे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द अबव सिनेरियो। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इस सिनेरियो में जो चीज़ हुई है, तो एज ए मैनेजमेंट रोल परफॉर्म में, तो मिस्टर रेहान ने एज ए मैनेजमेंट रोल यहाँ ऐसा कौन सा रोल ऐसा अदा किया है, कीपिंग द मैनेजर रोल इन व्यू। अब मैनेजर रोल आपको पहले मालूम होना चाहिए, मैनेजर्स के रोल क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, तो उसको देखते हुए आपने मैच करना है कि उन्होंने किस किस जगह क्या क्या रोल परफॉर्म किया है। जस्टिफाई ईच रोल विथ एटलीस्ट वन लॉजिकल आर्गूमेंट। जस्टिफाई ईच रोल, यानी कि ईच रोल से हमारा मतलब क्या हुआ कि एक रोल तो नहीं, काफ़ी रोल उन्होंने यहाँ अदा किए हैं। जस्टिफाई ईच रोल विद एटलीस्ट वन लॉजिकल आर्गूमेंट, तो कोई भी एक लॉजिकल आर्गूमेंट डाल लें कि ये इस वजह से उन्होंने ये किया। ठीक है, अब आगे दिया हुआ स्टूडेंट गाइड पढ़ लें, इतना ज़्यादा खास नहीं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अमूमन होती हैं वही हैं। ठीक, अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो पहले तो मैं अपने अपने ब्राउज़र पर ले जाऊँ, तो मैंने ये सर्च की 2 आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं मैनेजर रोल वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ चले तो मैनेजर रोल वगैरह दिए गए, तो इसके अंदर जो है जो मेन चीज़ है, काफ़ी रोल होते हैं जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रोल्स। ठीक है, फिर होता है इंटरपर्सनल रोल और फिर होता है डिसीजनल रोल। ठीक है, इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं। इसमें है ये है कि सबसे पहला बार आप इन्फॉर्मेशन रोल्स में क्या होता है, वो मॉनिटर कर रहा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीक आउट गैदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती है या नहीं है, और न्यू टेक्नोलॉजीज के आ रही है तो वो कैसी हैं। अब इसमें डिसमिनेट में आए तो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वो इसमें आता है। ठीक है, ठीक है, करंट इन्फॉर्मेशन क्या है वर्कर्स के लिए वो इसमें गाइड किया जाता है। स्पोक पर्सन में क्या होता है कि हमारे तो अंदर कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, यानी एम्प्लॉय के बाहर जितनी भी उनको हैंडल करना होता है स्पोक पर्सन में आता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द कंपनी एज अ शेयर होल्डर मीटिंग, यानी कि कोई भी मीटिंग में आप चले गए कंपनी की, कोई क्लाइंट वगैरह की मीटिंग है या कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह से कोई भी रिलेटेड मीटिंग है, तो वो ऐसा स्पोक पर्सन में आती है। इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है फिगर हेड में क्या होता है, यानी कि अच्छे वे में सिंबॉलिक वे में कंपनी को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि आपकी कोई ओपनिंग हो रही है, ब्रांच की ओपनिंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट की ओपनिंग हो रही है, तो वो फिगर हेड में आता है। लीडर में क्या होता है, लीडर में होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है कि इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा सकते हो, ऐसे लीडर के तौर पर हमें कोई एक टारगेट दिया जाता है कि परफॉर्मेंस गोल किया जाए, इस पर कोई बेनिफिट मिलेगा एक्सपर्ट जो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लीजन में क्या होता है कि दोनों का आपस में जो इनसाइड आउटर तालुकात है वो आपस में हैंडल कर रहा होता है, नहीं अंदर के भी बाहर के भी, और आपस में इनके जो मामला होते हैं सेल्स मीटिंग में भी वो इसको देख रहा होता है। अब आगे चलते हैं डिसीजन रोल में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना कंपनी के लिए, क्या बेनिफिट दे सकते हैं, वो चीज़ जो ऊपर बताई गई थी कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडल में क्या आएगा, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया वो इसके अंदर आता है, कोई आग जल गई, सैलाब आ गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा इसके अंदर आता है। अब रिसोर्सेज एलोकेटर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कोई भी फंड्स वगैरह के जरिए कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट हमें चाहिए कि हायर कोई पर्सन ऐसे चाहिए, तो इसमें रिसोर्स एलोकेटर आता है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल चीज़ है। नेगोटेटर क्या होता है, नेगोशिएशन मतलब कोई भी चीज़ में ख्याल करना, ठीक है, पार्टिसिपेट करना किसी भी ऑब्जेक्शन के साथ, इसमें नेगोशिएशन करना नहीं बातचीत करना कि हम इतने पैसे थे तो उसमें काम किया, जो सारी इन्फॉर्मेशन मीटिंग है इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब इस रोल को आप कहते पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दी, आप ये पढ़ लें, सिनेरियो आपका माइंड में होना चाहिए, तो इसी में से वो रोल परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये आर्टिकल सेम ही है तो इसमें थोड़ा सा और डिफाइन किया, व्हाट इज मैनेजर रोल कहते हैं, एक इंटरपर्सनल रोल होता है, इन्फॉर्मेशन रोल होता है, सीनियर रोल होता है। ठीक है, वो मैंने आपको सब गाइड कर दिया, फिगर हेड होता है, लीडर होता है, डिसीजन होता है, मॉनिटर होता है,
डिस्क्रिमिनेटर होता है, स्पोक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल होता है, सोशल एक्टर होता है, नेगोटिएटर होता है, ठीक है। तो सारा मैंने आपको बता दिया, इसका डिटेल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा, अगर मैं इसको आंसर अपना दिखाऊँ तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है, सिनेरियो यानी कि ये सिनेरियो पढ़ने के बाद जो हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक, कीपिंग द मैनेजर रोल आपके ध्यान में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो मिस्टर रहमान जो कि इनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया गया था, ही परफॉर्म द इंटरपर्सनल रोल। तो इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ गाइड किया था, इंटरपर्सनल रोल में क्या चीज़ें आती है, इंटरपर्सनल रोल में आपका फिगर हेड, लीडर, लीजन आया था, ठीक है। आप तीनों रोल तो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसमें से कोई एक या दो या माइट भी पॉसिबल तीनों कर रहा हो, तो आप पढ़ें क्या लिखा, फिगर हेड में रिप्रेजेंट द कंपनी इन सिंबॉलिक वे। तो देखा जाए तो फिगर हेड भी कर रहा है, ठीक, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबॉलिक वे में। तो एज अ बात की जाए लीडर, तो एज अ लीडर भी यहाँ वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी कंपनी को, एज अ लीडर कर रहा है, ठीक है। लीडर वो फ्रंट पे भी आया तो ये भी शामिल हो सकता है इसके अंदर। लीजन में क्या आता है, इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड में जब कंफ्लिक्ट आया था एज अ लीजन भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ही परफॉर्म द इंटरपर्सनल रोल। अब मैनेजर एक्टिविटी, तो इन्होंने कहा था थोड़ा बहुत डिफेंड भी करें, अब मैनेजर एक्टिविटी एज अ फिगर, फिगर हेड, कंपनी लीडर और लीजन, ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। आप चाहे तो कोई एक लिखते हैं, कोई दो लिखते हैं, कोई तीन लिखते हैं, तो मैंने यहाँ तीनों लिख दिए क्योंकि यहाँ तीनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अबव पैराग्राफ में क्या उसने परफॉर्म किया, एज ए इंटरपर्सनल रोल, उसने इंटरपर्सनल रोल अदा किया किस तौर पर, एज ए मैनेजर एक्टिविटी, फिगर हेड, कंपनी लीडर और लीजन के तौर पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जब इसके आगे अगर आप सिनेरियो को देखें, ये मैनेजर बनने के बाद फिर वीडियो हुई थी वायरल, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल में क्या होता है, हैंडलर्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड क्राइसिस। तो अगर आप यहाँ पे आके देखें अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैंडल, तो डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल में क्या आता है, हैंडलर अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड क्राइसिस, क्या सोशल मीडिया पे आप वायरल हो गए, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड में ही आएगी, ठीक है। देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, हैंडल अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्राइसिस, ठीक है, जो मैंने मेंशन कर दिया ये हुआ। अब आगे चलें तो मिस्टर रेहान को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फेस करना पड़ा था और अपोलोजाइज करना पड़ा, तो इसने क्या परफॉर्म किया, ही परफॉर्म इन्फॉर्मेशन रोल एज अ स्पोक पर्सन। तो आगे मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप यहाँ पर चलें तो आप देखें इन्फॉर्मेशन रोल में क्या आता है, मॉनिटरिंग आता है, डिसिमिनेटर आता है, स्पोक पर्सन आता है। मैंने क्या लिखा हुआ, तो यही परफॉर्म इन्फॉर्मेशन रोल और क्या किया, एज अ स्पोक पर्सन किया। स्पोक पर्सन क्या होता है, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि बताया गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एज इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ आया तो आप थोड़ा डिफाइन करते हैं, इन्फॉर्मेशन रोल क्या होता है, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन गैदर एज इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन एज स्पोक पर्सन ऑफ द कंपनी, ठीक है। आप आर्टिकल के एंड में, तो यहाँ पर अच्छे से आपको डिफाइन किया गया इन्फॉर्मेशन रोल में क्या होता है, तो कंपनी मैनेजर एक्टिविटी एज इन्फॉर्मेशन गैदर, इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेटर और स्पोक पर्सन फॉर द कंपनी, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, इंटरपर्सनल रोल भी मैंने इसी डिफाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जीडीए पे आपका पूरा फुलफिल हो गया है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो इसमें वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसमें से कोई एक लिख दें, कोई दो लिख दें, तो इस तरीके से आप ये जीडीए पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए करिए, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बात ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।